प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ही बड़े अवसरों, त्योहारों या किसी भी बड़े कार्य से पहले भगवान का आशीर्वाद लेने जरूर पहुंचते हैं। जब 2014 में जनाधार ने नरेंद्र मोदी को देश की बागडोर सौंपी, उसके बाद से ही पीएम मोदी ने भारत के मंदिरों, विरासत और सांस्कृतिक गौरव को फिर से स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाया। देश का कोई भी कोना हो, मोदी वहां जरूर पहुंचे। जहां प्राचीन और भारत के सांस्कृतिक इतिहास को समेटे मंदिर के पुनर्निर्माण का मौका आया हो, जहां भी गए, जब भी गए, वहां के मंदिरों में जाना नहीं भूले, भगवान के आगे सिर झुकाना नहीं भूलते, मंदिर के रीति रिवाज से पूजा करना नहीं भूलते। ऐसे में जब त्योहार पास आ रहे हैं तो पीएम मोदी की बड़ी यात्राएं भी तय हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वविख्यात केदारनाथ धाम में 21 अक्टूबर को दर्शन करने पहुंचेंगे। केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री के दौरे के लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इसके बाद 22 अक्टूबर को पीएम मोदी बाबा बद्रीनाथ के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। लेकिन पीएम की यात्रा यहां खत्म होने नहीं वाली। दिवाली का मौका है और राम भक्त रामलला के दर्शन को न पहुंचे, भला ऐसा कैसे हो सकता है। साल 1990 में देश में एक बड़ी मुहिम छिड़ी थी, अयोध्या में राम मंदिर की, और उसी मुहिम का हिस्सा थी राम रथ यात्रा। और इस राम रथ यात्रा का हिस्सा था वो शख्स जिसने आज की तारीख में हिंदुओं के लिए हिंदुत्व के सारे मायने बदल कर रख दिए। इस यात्रा का हिस्सा रहे नरेंद्र मोदी के बारे में उस समय कोई नहीं कह सकता था कि आने वाले समय में राम मंदिर आधारशिला इन्हीं के हाथों से रखी जाएगी। वही नरेंद्र मोदी जिन्होंने कहा था कि मंदिर बनेगा तभी दूसरी बार रामलला के दर्शन करूंगा। ये पीएम मोदी का सिर्फ बयान नहीं था, बल्कि इस बात को उन्होंने सच करके दिखाया। और अब पीएम मोदी एक बार फिर अयोध्या आ रहे हैं। 23 अक्टूबर को दीपोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ पीएम भी शामिल रहेंगे।